हर 10 मिनट बाद मेरी गाड़ी बदल जाती है उसकी स्मेल। ये मम्मी घोड़ी है। ये कहते हैं इंडिया को भी जाती हैं ये। बेटा इधर आओ, दिखाते हैं। यहाँ किस मकसद के लिए आया है और इनके साथ क्या लोग किया है? छोड़ दिया जाए इनको, क्या कर दिया? ये वो गेट है जो बेटा हम क्रॉस कर रहे हैं, इसे शाहबुर्ज गेट कहते हैं। ये 1631-32 में शाहजहां ने बनाया था। आपके लेफ्ट पे ये एलिफेंट स्टेयर्स नजर आएंगे। ये एलिफेंट स्टेयर हैं। जब किंग अपने रूम की तरफ, इस किले के अंदर दो पैलेस बेटा मौजूद हैं, एक का नाम है समर पैलेस, एक का नाम है शीश महल। उसका नाम पहले गोल्ड पैलेस था, वो ऊपर जाके दिखाऊं। ये जो आप बारकोनीज देख रहे हैं, एलिफेंट स्टेयर्स के ऊपर बारकोनीज बनी है। उनकी लेडीज, उनकी कनीजें ऊपर खड़ी होती थी जो उनका इस्तकबाल करती थी और ऊपर से फूल पत्तियां निछावर करती थी। ये ब्रिज देख रहे हैं, वुड का ब्रिज, ये ब्रिटिश पीरियड का बना है। वो तब उन्होंने बनाया जब उन्होंने एक अमनिशन डिपो, जहाँ पे रॉयल फैमिली ने गार्डन बनाया था, वहाँ पे उन्होंने एक अमनिशन डिपो बनाया, तब उन्हें ये ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ी। 1977 में पकड़ा गया था तो 2 दिन के लिए यहाँ पे रखा गया, इसलिए इस जगह को भट्टो जेल कहा जाता है। उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट देखना चाह रही थी, जियाउल्लाह साहब देखना चाह रहे थे कि मुल्क में क्या इंतजार पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। कहते तो 6 है लेकिन 3 तीसरे किंग से, बाबर, हुमायूं, अकबर से इसकी स्टार्टिंग हुई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर ने इस किले की तमीर में हिस्सा डाला और इस किले को बनने में 107 ईयर्स लगे। इसका जो टोटल कवर्ड एरिया है ये 52 एकड़ जगह है। हर 10 मिनट बाद मेरी गाड़ी बदल जाती है। हो गया और ये हम शाही किले में एंटर हो गए हैं। ये पब्लिक पार्ट है, ये आपके सामने दीवाने आम बना हुआ है, वो एक ड्योढ़ी नजर आ रही है, बारकोनी बनी है। जब किंग राया पब्लिक से बात करते थे तो वहाँ पे खड़े होकर खिताब करते थे। ये वो गेट है जिसे अकबर ने बनाया 1566 में, अकबरी गेट इसे कहते हैं। ये पब्लिक के लिए यूज होता है। ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं ये पब्लिक पार्ट है। फर्स्ट आगे जाके आपको रॉयल पार्ट दिखाता हूँ, फिर हरम का पार्ट दिखाता हूँ। इस किले के अंदर 3 दौर गुजरे हैं, फर्स्ट मुगलों का, सेकंड सिखों का, थर्ड ब्रिटिश का। मुगलों ने स्प्रिंग सीजन के लिए यूज किया, सिखों ने इसे अपना रेजिडेंशियल एरिया बनाया और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने इसे अपना आर्मी का किला बनाया था। आइए, फोर्ट के अंदर 2 बड़े ऐसे ट्रीज हैं जिनकी एज जो है वो 300 इयर्स है। एक ये सामने आपके जो अम्ब्रेला बनी है, एक आगे दिखाऊंगा। इस किले के अंदर आपको जो पेंट नजर आएगा, उस वक्त केमिकल वाला पेंट नहीं था, तो जो ग्रीन पेंट था वो इनके पत्तों से, पत्तों को धोते थे, धो के इनको उबालते थे, उबाल के रगड़ते थे जैसे हम मसाला पीसते हैं, उससे ग्रीन पेंट निकलता था जो यूज हुआ है इस जगह पे। आ जाइए, तो बड़ा अंधेरे वाला म्यूजियम है। ये सब मुस्लिम्स की स्वॉर्ड्स हैं, ये पर कलमे भी लिखे हुए हैं। ये सिखों की हैं। इसके ऊपर देखिए, बीच में ऐसे फील होता है जैसे ब्लड लगा। उंगली काटते थे इससे? यस, उनसे नेल निकालते थे। ये जो तोपे बाहर आपने बड़ी बड़ी देखी थी, ये वो मटेरियल है जिससे वो गोले, और ये सांचा बना हुआ है। आजकल मैगजीन आ गई, उस वक्त मैगजीन नहीं थी, वो बॉक्स बना हुआ है। इनके बुलेट समझ लो, गोले तब के मटेरियल है, ये यूज होता था। ये वो सांचा बने जिससे नापते थे, साइज करते थे, साइज चेक किया, ये तोप के अंदर गोला फिट हो जाएगा। वो उस वक्त की मैगजीन है, जो बॉक्स बना हुआ है, आजकल मैगजीन आ गई, इसके अंदर वो स्ट्रोक करते थे। और ये बंदूकें इनकी? ये बंदूकें भी, ये ब्रिटिश पीरियड की है।
और ये क्या है, ये गोल गोल? ये बिगल है, बिगल भी बजाते थे किसी को जब साउंड से आवाज, हाँ तो ये साज़ आसमान बजाते थे जब जंग जीत के आते थे। फिर ये बैंड बाजे बजते थे जब ये लोग जंग जीत के आते थे। मेरा दिल कह रहा है मैं भी जाके तबला बजा दूं। जब हाथी घोड़ों का अटैक होता था तो उसको वो कैसे रोकते थे, ये देख रहे हैं दुख की, इनको अभी भी बाइक निकाल के ऐसे उछालेंगे तो एक चीज इसका सर ऊपर ही आएगा। जब ये फेंक देते थे रोड के ऊपर या किसी ग्रॉस के ऊपर, तो हाथी घोड़ों के अगर कील ये पांव में लगता होगा तो आप खुद सोचे तो क्या वो आगे चल पाते कि ना चल पाते। ये इनके तीर कमाने जिसे प्रिजर्व करके रखा गया, जैसे मम्मीज को प्रिजर्व करते हैं ऐसे इसको भी प्रिजर्व करके रखा गया। महाराजा रणजीत सिंह को जो जानवर पसंद आता था वो पहले किसी को मैसेज भेजता था कि मुझे गिफ्ट देता था। और ये उसकी फेवरेट घोड़ी थी जिसका नाम असद लैला है। आप इसे नेट पे रिसर्च भी कर लें, मैं जो कह रहा हूँ वही वर्ड निकले। ये पेशावर के एक बंदे के पास मौजूद थी जिसे उसने मैसेजेस किए, फिर पैसों की भी ऑफर की, उसने ना कर दी। उसने कहा नहीं है, नहीं मर गई है बुलाओ। फिर इसने जंग कर गए और लाइट आ गई है। तो ये घोड़ी अपनी असल हालत में है, ये उन्होंने ओरिजिनल को प्रिजर्व किया है भाई, जिसमें मुर्दा नहीं उस तरह उसके मुंह से लग रहा है वो, है ना उसकी स्मेल। ये मम्मी घोड़ी है, ये घोड़ी भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। ये कोई मम्मी नहीं है, बाकी सच्ची मुच्ची वाली है। प्रिंसेस बम्बा जो महाराजा रणजीत सिंह की पोती थी, उसे पेंटिंग का बड़ा शौक था, इसलिए इस कलेक्शन को उसके नाम से मंसूब किया। और अभी यहाँ पे जब हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैंने आपको बताया यहाँ तीन दौर गुजरे, पहला मुगलों का, सेकंड सिखों का। सिखों ने इस एरिया को रेजिडेंशियल एरिया बनाया था, लाहौर फोर्ट को। यहाँ जो अभी कलेक्शन बनी है पेंटिंग की, नीचे आपने म्यूजियम देखा, ये बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह की फोर्थ वाइफ थी जिसका नाम था रानी जिंद कौर, ये उसकी हवेली थी। वो सामने जो हवेली नजर आ रही है वो खड़क सिंह की हवेली है। कौन सी वाली? वो सामने, ये इस मीनार के जो बैक पे आपको नजर आ रही है, ये खड़क सिंह की हवेली थी। अच्छा। और ये सारा जंगीरी हाथा बना है, यहाँ पे म्यूजियम बना है मुगल आर्ट गैलरी का। एक साइड से आपने स्टार्ट होने में आपको बताता जाऊंगा, आप बिल्कुल लेते जाइए। महाराजा रणजीत सिंह लाइन ऑफ लाहौर, धरती मनाजर है। ये रियल है? ये रियल है। अमृतसर, ये नौनिहाल सिंह है? नहीं, जवान है नौनिहाल। खड़क सिंह अगरबल के ऊपर ये हाथ बनवाए, उसके हाथ वाकई बहुत प्यारे हैं, पतली पतली लंबी लंबी फिंगर्स है ना। बचपन की उसकी पिक्चर है जहाँ जिससे ब्रिटिश ने जब दिलीप सिंह से कोई नूर हीरा लिया था, वो आपको वहाँ जाना। दिलीप सिंह जिसके बचपन की पिक्चर है, दिलीप सिंह जाता है, इसे कहते हैं जंगीर की खाबगा उसे कहा जाता है, जो जंगीर का बेडरूम था बेसिकली। जब ब्रिटिश का दौर आया, ये आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये उन्होंने टेनिस ग्राउंड बनाई थी यहाँ, और उसको उन्होंने अपना डाइनिंग हॉल बनाया था। ये अब हम रॉयल पार्ट के अंदर जा रहे हैं, हमने पब्लिक पार्ट देख लिया, अब हम रॉयल पार्ट में आ गए, इसके बाद हम हरम पार्ट में जाएंगे। यानी तीन पार्ट्स हैं इस किले के। ये जी मुगल गैलरी, जो क्वीन थे कोई रिमूव फॉर केमिकल ट्रीटमेंट जो गोल्ड के थे वो यहाँ से सिक्कों ने डिस्ट्रॉय कर लिए। ये अपने नाम का सिक्का भेजते थे, और ये सिक्का राजुल भक्त कहा जाता था इसको, लेकिन के ऊपर अपने अलग अलग से नाम लिखे हुए, अपने नाम के सिक्के भेजते थे कि हमारी तरफ से पहले। जलालुद्दीन अकबर, शहबाज, दौरान,
हाथी रॉयल रॉयल सवारी थी ना उस वक्त, तो दूसरी सदी के भी क्या सराइयां यहाँ से मिली हैं। और ये आपको टनल दिखाता हूँ, इस किले फोर्ट के अंदर 5 टनल मौजूद थी। ये कहते हैं इंडिया को भी जाती हैं ये। बेटा इधर आओ, दिखाता फोर्ट के अंदर 4 इबादत गाहें मौजूद हैं। फर्स्ट जो हमने गेट क्रॉस किया, सेकंड जहाँ से आपको मैं मस्जिद की तरफ लेके जाऊंगा, औरंगजेब आलमगीर ने वो गेट बनाया, आलमगीरी गेट। बेसिकली जो किला था वो पहले हिंदुओं ने मेढ़ का किला बनाया। इस जगह का नाम लाहौर कैसे पड़ा वो आपको बताऊंगा। राम चंद्र जी के 2 बेटे थे, एक का नाम था कसु, एक का नाम था लव। ये हिंदू मज़हब से तल्लक रखते थे। लो उस वक़्त इस एरिया का नाम लो कोट था, मुगलों का दौर स्टार्ट होने से पहले। यहाँ पे फवारा था, फाउंटेन था। जो मुगलों ने किला बनाया ये लास्ट बाउंड्री थी बेटा, रिवर रावी इसके नीचे बहता था। अच्छा। जो आपको वो बाउंड्री वॉल डिफेंस वॉल नजर आ रही है इसके ऊपर, ये महाराजा रणजीत सिंह जब बरसरे इकदार आया है तो रिवर रावी 1749 तक इस दीवार को, इस एरिया को टच करता रहा। वो आज 3.5 किलोमीटर बैक हो गया है। महाराजा रणजीत सिंह जब बरसरे इकदार आए 1799 में, तो 1802 में ये डिफेंस वॉल उन्होंने बनाई। ओके, सामने देखो, हम हैं सुल्तान, सब पकड़ लेते हैं, सब जकड़ देते हैं, यहाँ तक कि हम सब कैद कर लेते हैं। बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या लोग किया है? छोड़ दिया जाए इनको, क्या शाही मेहमानों ने बाज छोड़ दिया। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन मुगले आजम का ये हुक्म है, इन सबको कैद खाने में डाल दिया जाए। हम मुगले भी तो जा सकते हैं, वो क्या आपको सोने चांदी के सिक्कों से नवाजा जाएगा। हम खुश हुए, सेकंड हमने रॉयल पार्ट देखा, थर्ड अभी हम जो है वो हरम के एरिया में, इन्होंने हरम का एरिया, हरम के एरिया में लेडीज होती थी और हरम के एरिया में जितने इनके गार्ड्स होते थे ड्यूटी पे, वो सारे ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर, किसी गैर मर्द को हरम के एरिया में आने की इजाजत नहीं। ओके, स्टीम सिस्टम, पीछे हार्ड वाटर, पीछे सॉफ्ट। ये उस वक्त का जकूजी था जिसमें अब कूड़ा पड़ा हुआ, अब तो उसमें कचरा पड़ा हुआ है। और ये उनका अंदर था सारा स्टीम बाथरूम एंड सब कुछ। वाह, यहाँ पे वो कपड़े बदलती थी। ये देखिए कुछ बंद किए हुए इन्होंने। चलें फिर, अब हम आगे जा रहे हैं। देखिए जी, 107 साल में एक चीज़ बनी और 52 एकड़ के ऊपर वो जगह, तो हम उसको एक दिन में नहीं देख सकते। जैसे ये कुछ मेजर पॉइंट्स जो देखे हैं, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब भी आप लाहौर आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आज मैंने सीखी है कि आप जब भी आएँ, आप किसी टूरिस्ट जो है गाइड है, जो टूरिस्ट गाइड है, आप उसके साथ आएँ ताकि वो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।